हे गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं एक और न्यू गेम के साथ। एंड गाइस, इस गेम का नाम है फास्ट बॉन्ड। गाइस, एक कफे का एक अलग गेम है, लास्ट डे ऑन अर्थ के जैसा ही कंसेप्ट है, बट थोड़ा सा अलग है। ये गाइस पूरा का पूरा मल्टीप्लेयर गेम है। ओके, लाइक 90% से भी ज़्यादा गाइस ये मल्टीप्लेयर गेम है। हमें लिटरली लेवल 5 पे हम मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं। एंड इसका मतलब कुछ अलग ही सीन है। मैंने इस गेम को कभी खेला नहीं है। मैंने बहुत पुराने टाइम, आई थिंक कुछ मंथ पहले, किसी यूट्यूबर को देखा था इस गेम को खेलते हुए। बाकी मेरे को इस गेम के बारे में एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है। दो तीन फ्रेंड गाइस हमें मिल चुके हैं कि यार, मैंने बोला ये पूरा का पूरा मल्टीप्लेयर गेम है, तो हमारा जो बेस है वहाँ पे हम 4 बंदों को इनवाइट कर सकते हैं। लाइक अगर तुम्हारा बेस है तो तुम्हारे बेस के साइड में एक और बंदे का बेस होगा, उसके साइड में एक और बंदे का बेस होगा। ऐसे एक ही लोकेशन पर 4 बंदों का बेस हो सकता है, और 4 बंदे साथ में टीम बना के खेल सकते हैं, या फिर तुम रेडिंग करने के लिए जा सकते हो। भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर से पता चली है। दो तीन बंदे साथ है, जैसे कि मेहुल है, उसके बाद लाइटनिंग है और एक और बंदा है। पता नहीं यार अभी कौन कौन एक्टिव रहने वाला है, लेकिन आई होप यार मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले यार हमें अपना लेवल 5 करना पड़ेगा। एंड देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली इसमें ग्राफिक बहुत मस्त है यार। एक्चुअली मैंने इसका साउंड थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्योंकि इंटरनल साउंड के थोड़े प्रॉब्लम होते हैं। ओके, ग्राफिक हाई क्वालिटी। ओके, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, ये परफेक्ट है। एंड यही है शायद जो भी बंदा कह रहा है एल्डर। ओके, तो क्या मैं इसे बात करूँ? ओके, नहीं, ये तो हॉर्स वेंडर है। राइट वन, दिस हॉर्सेस आर द ओके, ऑब्वियसली हम ट्रैवलिंग के लिए हॉर्सेस यूज़ कर पाएंगे। हॉर्सेस का कंसेप्ट या लास्ट डे ऑन अर्थ में आ गया ना, तो सही हो जाएगा। ओके, ये है एल्डर। हाउ डिड यू मैनेज टू सर्वाइव सिंस द गॉड्स अबंडेंट दिस लैंड? इट्स हैपन मोर एंड मोर रेयरली। ओनली द डेड अराउंड यू आर रिटर्न टू हेल्प अस, हैवेंट यू? तो लास्ट डे ऑन अर्थ के जैसा ही कंसेप्ट है क्या? कुछ डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा स्टोरी लाइन है स्टार्टिंग में शायद। ओके, व्हाट द हैक, वी विल रिक्लेम अवर लैंड एंड बिल्ड अ न्यू होम। ओके, पुल टुगेदर एंड बिकम अ ग्रेट अगेन, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ओके, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो स्टेज 1 हमें क्या करना है, बिल्ड अ डिस्ट्रिक्ट, एंड स्टेज 2 है क्रिएट अ गिल्ड। इसका क्या मतलब है? बिल्ड अ शिप। ओके, शिप भी बिल्ड करना है, वाह। फिलहाल तो यार हमें स्टेज 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट वार चीफ, ही विल टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। वार चीफ, व्हाट द हेक यार, ये वार चीफ कहाँ है अभी? ओके, तो थोड़ी देर बाद गाइस मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना नाम डालना भूल गया। लुक एट दैट प्लेयर, 614AJ8। आई होप यार कि इस नेम को हम इन फ्यूचर गेम में चेंज कर पाएंगे। आई होप। एंड लिटरली गाइज, हमें जिस बंदे से बात करनी थी वो इस बुढ़ाओ के एकदम साइड में खड़ा था, एंड पता नहीं मैं पूरा गांव घूम के आया हूँ। ओके, लाइक हमें इसे बात करनी है एंड किसी भी लोकेशन पे जाना है। तो आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट दिस थिंग कि ओके, यू कैन चूज वेयर वी विल कलेक्ट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द बिल्डिंग द कैपिटल, सो वेयर आर यू ऑफ टू। ओके, तो प्लेयर 6148 मतलब ये हमारा घर है, एंड हमें ऑब्वियसली कहीं पे तो जाना है, तो वाइकिंग लैंड्स। ओके, लेट्स गो टू द वाइकिंग लैंड्स, देखते हैं कि क्या हमें वाइकिंग लैंड्स में क्या मिलता है। वी नीड अ कैम्प बियॉन्ड द टाउन वेयर यूर ब्रदर इन आर्म्स एंड यू वुड ऑब्टेन रिसोर्सेज टूगेदर, वी विल बिल्ड इच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अवर कैपिटल। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, गो टू द कैम्प। तो अभी कैम्प कहाँ पर है? आई होप ये एरोज हमें दिखा रहे हैं कि हमें किस साइड में जाना है। एक्चुअली गाइस, इस गेम का ग्राफिक्स सही में बहुत मस्त है। एंड ये हमें ऑब्वियसली सीधा जाना है। तो फाइनली गाइस, ओ माय गॉड, ये बोट किसका है? शिपिंग रूट्स, वाव। तो आई थिंक दिस इज़ लाइक मैप, यू कैन से दैट। एंड लिटरली गाइस, बहुत ही छोटा मैप है ये फिलहाल तो। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे हम और ज़्यादा इस गेम को खेलेंगे, मैप बड़ा होता जाएगा। फिलहाल हमें जाना है कैंप पे। देन हियर यू कैन प्रोग्रेस एंड स्टोर रिसोर्सेज बिफोर यू सेंड देम टू द डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो लेट्स गो यार। ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी कितना है, मतलब एनर्जी का कोई सीन नहीं है क्या? हम कितना भी ट्रैवल कर सकते हैं क्या? आई डोंट नो, आई रियली हैव नो आइडिया। ओ माई गॉड, फाइनली है। आई वॉन्ट टेल यू वॉट हैपन टू दिस कैंप रेसिडेंट, यू कैन सेटल हियर एंड फाइंड द रिसोर्सेज यू नीड। ओके, बट फर्स्ट यू विल हैव टू डील विद द डेड। ओके, ओ भाई सही में वो ग्राफिक देखा तुम लोगों ने, क्या मस्त था यार। एंड लुक फॉर द स्टोन्स एंड ड्राई बेंचेस, दे शुड बी प्लेंटी हियर। ओके, तो फिलहाल गाइस अपना लेवल कितना है, क्या मैं अपनी लेवल देख सकता हूँ? क्या मैं अपने बैकपैक को ओपन कर सकता हूँ? एक्चुअली मेरे पास बैकपैक ही नहीं है, तो आई कॉन्ट ओपन माई बैकपैक।
ओके ओके आई कैन ओपन माई बैक पैक. ओके तो हमें ऑब्वियसली एक बैक पैक क्राफ्ट करना पड़ेगा, प्लस लेवल 15 चाहिए हमें एक और एक्स्ट्रा के स्लॉट के लिए. ये क्लोदेस का स्लॉट है. ओके क्यूएल. ओके मैं इसे चेंज कर सकता हूँ. ओ तो हम ये स्किल से इन्हें हम ऑब्वियसली अपग्रेड कर सकते हैं. आई थिंक ऐसा ही कोई सीन है. ओके एंड ऑब्वियसली ये हीलिंग का. वट इज़ दिस रीड. वी हैव फॉट ऑफ बट बियरली फॉर लॉन्ग. द डेट टेंड्स टू बी वेरी स्टबर्न. यू हैव अ चांस टू बिल्ड अवर सक्सेस वी हैव अचीव्ड और इवन बिल्ड यूअर ओन डिस्ट्रिक्ट इन यूअर टाउन. टू डू दैट यू नीड अ सेफ कैंप फ्रॉम विच यू वुड डिलीवर रिसोर्सेज फॉर कंस्ट्रक्शन. हाउ डू यू लाइक द प्लान टू जर्ल फ्रॉम मेल्डर. आई डोंट नो यार ये क्या सीन है. ओके क्या हमें इससे ऑब्वियसली गाइस लुक एट दैट 90% मतलब मैक्सिमम या लास्ट डे ऑन अर्थ के जैसा ही है. कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. ओके व्हाट इज़ दिस गाय. आई हैव नो आइडिया. ओके एक और ज़ॉम्बी है. नो वे. और ये क्या है यहाँ पे एक लाइक टूटा हुआ घर है शायद तुम ऐसा कह सकते हो. एंड बहुत सारे ज़ॉम्बीज है. मेरा वेपन ख़त्म हो जाएगा भाई. पर मैं अगर इस वेपन को ज़्यादा यूज़ कर लूँगा क्या ये बहुत मस्त वेपन है या फिर इतना मस्त वेपन नहीं है. ओ अपने पास बेसमेंट भी है. वाह मैं बेसमेंट को ओपन कर सकता हूँ. सही है. ओके तो ऑब्वियसली अभी हमने बेसमेंट में एंटर किया. एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस कि इसमें हमें क्या मिलने वाला है. क्या मैंने बेसमेंट में नहीं आना चाहिए था. ओ यहाँ पे ओ माय भाई 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 सही में यार बहुत सारी चीज़ें है भी इसमें. इक्विप. ओके इक्विप प्लस इसे भी ना. वी कांट इक्विप इट. सो मैं काम करने वाला हूँ फ़िलहाल के लिए. ये है अपनी शायद. इट्स गुड दैट यू कम डाउन हियर. दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर यूर एनिमीज कैन गेट यू. ओके तो ये सेफ प्लेस है. यू कैन से दैट कि अगर कोई बंदा हमारे बेस पे रेड कर जाए तो तुम यहाँ पे छुप सकते हो. हियर यू कैन हाइड स्पेशली वैल्यूएबल स्टाफ. ओके 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 तो हम अपने पास की जितनी भी अच्छी खासी चीज़ें हैं वो इस चेस्ट में रख सकते हैं. ओके मेरे को समझ में आ रहा है भाई. धीरे धीरे रिमेंबर कीप इट कीप इन द वॉल्ट ओनली दोज थिंग यू डोंट वॉन्ट टू लूज. या ऑब्वियसली हमें यहाँ पे वही चीज़ें रखनी है जो हमें लूज नहीं करनी है. वॉट इज़ दिस बर्ड स्काउट. भाई लिटरली मेरे को लिटरली अपना इसका क्राफ्टिंग इन्वेंटरी देखना है. ओ माई गॉड भाई सही में दिस इज़ एक्चुअली वेरी बिग गेम यार. एंड ये सबसे बेस्ट सेट होगा शायद. वॉट इज़ दिस कैनन बॉल. अ शेल दैट दैट इज़ लॉन्च फ्रॉम बेसिक वेपन्स एंड पजेसेस मीडियम डिस्ट्रक्शन रेंज. चेन स्लॉट वॉट एवर. शॉवेल. बोन मेज. तो ऑब्वियसली यार दुनिया भर की चीज़ें है ये. एंड मुझे लगता है यार देखो हमारे साथ जो जो भी बंदे खेलने वाले हैं जैसे कि मैंने बोला है आप लोगों को ये पूरा मल्टीप्लेयर गेम है. एंड मेरे साथ दो तीन बंदे खेलने वाले हैं. उनमें से मेहुल ने मेरे को बताया है कि सबसे पहले तेरे को क्या करना है. मेरे को पूरे जोन को क्लियर कर देना है क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा लेवल 5 ऑटोमेटिकली यहीं पे हो जाएगा. ऑब्वियसली यार लास्ट डे ऑन अर्थ में भी मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा. आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो अभी ऑटो क्लियर का बटन है. तो अगर मैं इसे ऑटो क्लियर दबा देता हूँ. यस ऑब्वियसली ये चीज़ अभी काम कर रही है. एंड मैं पूरे जोन को अभी ऑटो क्लियर ऑब्वियसली कर सकता हूँ. तो या मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्टली ऑटो क्लियर करके. तो यहाँ पे हमें करना क्या था. मैंने एक्चुअली यहाँ पे स्टोन एंड इनको इन्वेस्ट किया लेकिन द रिसोर्सेज आर कलेक्टेड. टॉक टू द एल्डर इन द टाउन टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन. साइट क्लियरिंग. ओपन द साइट अप फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग. आई रियली हैव नो आइडिया गाइस कि ये क्या सीन है. तो फाइनली गाइस मैंने मैक्सिमम एरिया तो क्लियर कर दिया लेकिन ये जो ट्रीज है एंड ये जो स्टोन है इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए हैचेस एंड पिकैक्स जो जिनको ओपन करने के लिए हमें लेवल 4 चाहिए. फिलहाल मैंने जितनी चीज़ें कलेक्ट की उससे मेरे को लेवल 3 मिला है. तो मुझे लगता है हमें यहाँ के थोड़े बहुत मिशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे. ओके यू नीड टू डिलीवर कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज टू द डिस्ट्रिक्ट. माय कार्ट इज़ ऑलवेज एट योर सर्विस. ओके सो आई रियली हैव नो आइडिया हाउ टू डू दिस थिंग. बिल्ड योर डिस्ट्रिक्ट इन द न्यू हियम. हियम व्हाट द हैक यार है क्या है. चलो देखते हैं. डिस्ट्रिक्ट में फिर से आ चुके हैं. ओह डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू हियम. द टाउन इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. सिलेक्ट एन एक्शन. ओके एंटर पॉपुलर क्रिएट डिस्ट्रिक्ट. तो फिलहाल अपने पास डिस्ट्रिक्ट नहीं तो हमें डिस्ट्रिक्ट क्लियर क्रिएट करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ द थिंग जहाँ पे मुझे लगता है हम मल्टीप्लेयर खेल पाएंगे. ओके मेरे को सही में आइडिया नहीं है क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है हमें लेवल 5 चाहिए मल्टीप्लेयर खेलने के लिए. पर लेट्स सी.
यू हैव सक्सेसफुली फाउंडेड यूअर डिस्ट्रिक्ट, ओके, एंड ये बंदा यहीं पे है, तो इफ़ यू तो क्या ये वही लोकेशन है? नहीं बे, ये तो अलग लोकेशन है यार. ओके, तो हमें स्क्वायर में जो बैक ऑलरेडी व्हाट सी आई सी यू गॉट ऑल द नेसेसरी मटेरियल्स. वी हैव ऑल्सो फाउंड समवन दैट शुड बी इनफ फॉर अ लिटिल व्हाइल. आई रियली हैव नो आइडिया. ओके, वी आर गोना हेल्प यू विद द मटेरियल फॉर नाउ, बट सून यू विल हैव टू काउंट ओनली ऑन यूर सेल्फ. ओके, डेवलप योर डिस्ट्रिक्ट टू अनलॉक न्यू ब्लू प्रिंट्स, गेट रिपेयर टेबल्स, बिल्ड स्पीयर, ओपन योर डिस्ट्रिक्ट फॉर अदर प्लेयर्स, कलेक्ट टैक्सेस फॉर विजिटर्स. ओके, क्लियर आउट. साइट कंस्ट्रक्शन, अट्रैक्ट न्यू रेसिडेंट्स फ्रॉम विच अलो यू टू इंक्रीज टैक्सेस बिल द डिस्ट्रिक्ट पॉपुलर. भाई सही में, भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे को इतू सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है. क्या हम अपनी ओके, हम लेवल 4 फाइनली कैच कर चुके हैं एंड साइट क्लियरिंग क्लियर आउट. ये क्या हम फ्री में कर सकते हैं या फिर साइट इज़ रेडी फॉर द कंस्ट्रक्शन. अनलॉक ब्लू प्रिंट फॉर क्राफ्टिंग न्यू आइटम्स. ओके, नॉट इनफ रिसोर्सेज इन द कार्ड. आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट दिस थिंग कि हमें कैसे करना पड़ेगा ये सब चीज़ें. ओके, तो आई थिंक ओके, अभी हमें मिशन आ रहा है गो बैक टू द कैंप. एंड ऑब्वियसली गाइस, अभी मेरे को एक यहाँ पे एक छोटी सी कंसेप्ट समझ में आ गई. लास्ट टाइम हमने मतलब जहाँ हम इस कैंप पे मतलब यहाँ पे जब आए थे तब ऐसी चीज़ें नहीं थी. ओके, थोड़ा अपग्रेडेड लग रहा था. ये वही लोकेशन है गाइस. ओके, वो वही एल्डर एंड वही बंदा वहाँ पे खड़ा था, बस ये वाला जो सीन है वो थोड़ा अलग था. अभी गाइज उन्होंने वो चेंज कर दिया है क्योंकि ये अभी अपना डिस्ट्रिक्ट है एंड हमें अभी इसे स्टार्टिंग से बिल्ड करना है. ऐसा ही कोई सीन है ऑब्वियसली. आई डिड लॉट ऑफ टास्क गाइज, जो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताना नहीं चाहता क्योंकि बहुत बकवास थे टास्क थे. एंड मुझे नहीं पता गाइज ये टास्क करने के बाद ये तीन लोकेशन मेरी ओपन हो गई. आई रियली हैव नो आइडिया. आर्मी कैंप या बैटल कार्ड इज रिक्वायर्ड. किंग सीगार्ड बॉडीगार्ड्स हैज़ बीन होल्डिंग ऑफ अटैक ऑफ द डेड From the west of the long time. Okay, so whatever कुछ तो होगा यहाँ पे. What is this? Sanctuary of Odin. Seekers of the missing god unite and start their search from here. No PvP. मेरे को सही में कोई आइडिया नहीं है गाइस कि ये क्या सीन है. ओके, मे बी शायद फ्यूचर में हमें इनके बारे में पता चलेगा, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू गो टू द होम एंड हम देखते हैं क्या हमें ऑब्वियसली कैंप फायर बनाना है. तो कैंप फायर बनाने के लिए वैसे हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, हमें स्टोन चाहिए. हम स्टोन लेके डायरेक्टली कैंप फायर बना सकते हैं. फाइनली गाइस, फाइनली आए हम लेवल 5 कैच कर लिए हैं. एंड लुक एट दैट, व्हाई इज इट बेटर टू प्ले विद फ्रेंड्स. तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चार बंदों का बेस एक साथ में है. ओके, लाइक तुम बिल्ड वॉल फास्टर क्योंकि चार बंदे अगर साथ खेल रहे तो ऑब्वियसली ज़्यादा मज़ा आएगा. एक्सप्लोर द नॉर्थ साइड बाय साइड. ओके, यू आर 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर. ओके, ऑब्वियसली तुम चार बंदों के साथ खेल सकते हो. ओके, तो इनवाइट फ्रेंड्स. तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपको अभी डायरेक्टली अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करने के बाद. आई होप यार कि मैं उनके साथ खेल पाऊँगा. एंड फाइनली आफ्टर द लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा जुगाड़ पानी दिमाग ख़राब करने के बाद गाइज, मैं फाइनली ज्वाइन हुआ अपने फ्रेंड के साथ. यह लाइटनिंग भाई का वो लीडर है, उसके साथ हमारे साथ एक और बंदा है मेहुल एंड उसके साथ एक और बंदा है. ओके, चार बंदे एक साथ खेल सकते हैं एंड तीन बंदे तुम देख सकते हो इस वाले फैमिली में पहले से है. तो ऑब्वियसली मैं ये एक्सेप्ट करने वाला हूँ. तो अगर जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा तो क्या मेरा बेस उनके बेस के साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा? एग्रेसिव मोड इज़ ऑन करेंटली. बेस वॉट इज़ दिस? बेस टैक्स. हाँ, ये तो मिशन का है ऑब्वियसली. लेट मी सी दिस थिंग. ओके, तो ये है लाइटनिंग भाई. ऑब्वियसली क्या मैं इनसे चैट कर सकता हूँ? लाइक हाय समथिंग लाइक दैट. तो क्या ये अकेले हैं और कोई नहीं है भाई? और कोई है क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड यार, ये तो मेरा बस. ओके 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 ओके, तो मेरे को जितना स्पेस मिलेगा उतना स्पेस मेरे को मिलेगा. ओ, होम साइड, ये मेरा हाउस है. ये पहाड़ी भाई का हाउस है एंड ऑब्वियसली ये है मेहुल भाई का हाउस. ओके,
एंड इस साइड में अगर हम जाते हैं तो यह है लाइटनिंग बाइक हाउस। ना क्या है अभी, आई होप कुछ ऐसे मिशंस होंगे जो मल्टीप्लाई मिशंस जो हम साथ में कर पाएंगे। ओके, जैसे कि बड़े बड़े जोम्बीज को अगर किल करना है तो ऑब्वियसली हम साथ में खेल पाएंगे, ऐसा कोई डेफिनेटली सीन होगा। लेट्स सी, एक्चुअली लाइटनिंग बाइक ने अच्छा खासा सेटअप किया हुआ है। मेरा बेस अभी तक इतना बड़ा नहीं है, इतनी कुछ चीज़ें मैंने अभी तक फ़िलहाल कुछ की नहीं है, लेकिन देखते हैं। मेहुल भाई ने जैसे बताया था, ओ लुक एट दिस गाइस, फाइनली हमें मेहुल भाई भी मिल चुके हैं। हाय, एंड उन्होंने कहा है वेट, ऑब्वियसली इनका बेस भी एकदम छोटा सा है जो जैसा मेरा है। व्हाट द हेक, क्या कर रहा है, कम ही है, व्हाट द हेल यार, सिट। नो भाई, सही में यार, लिटरली कितनी सही चीज़ें यार ये, अगर हम डिस्कॉर्ड पे कनेक्टेड होते ना तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होता सही में, लिटरली। यहाँ पे मैं ऑब्वियसली डायरेक्टली चैट कर सकता हूँ। यस गाइस, ऑब्वियसली हमें इस गेम में मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं, लिटरली यार चारों बंदे एकदम साथ में बेस बना के खेल सकते हैं। एंड गाइस, आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि लास्ट डे ऑन अर्थ में जब भी हम मल्टीप्लेयर खेलते हैं तो लास्ट डे ऑन अर्थ एक्चुअली में बहुत लैग करता है। बट ये अगर तुम देखोगे तो लिटरली गाइस, मेरे साथ यहाँ पे दो बंदे है, स्टिल गाइस ये गेम बिल्कुल लैग नहीं कर रहा है, एकदम सही से परफेक्टली चल रहा है। ओके, थोड़ा बहुत लैग कर रहा है, बट यार वो अपना नेटवर्क का इशू है। अगर नेटवर्क का इशू नहीं होता है तो ये गेम एकदम मस्त चलता है, एंड दैट्स द वेरी मस्त थिंग यार मेरे को लगता है। एंड यही सही टाइम है यार आज की वीडियो यहीं पे एंड करने का। आई होप यार, व्हाट द फक यार, उसने क्या किया। तो बस यार आज की वीडियो में बस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं पहला ऐसा यूट्यूबर हूँ जो इस गेम के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ हिंदी में। यस, तो बस यार मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।